ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। उनके दिन लद चुके हैं जो जाति धर्म की राजनीति करते थे, आज वो हाशिए पर खड़े हैं, प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे, तीन तीन बार प्रत्याशी बदल रहे हैं। और मैं भी समझता हूँ आने वाले समय में 26 तारीख को ये यहाँ के सांसद तो जीतेंगे नहीं, इस यहाँ पे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। आपकी टफ फाइट किससे किससे मांग रहे हैं? हमारी टफ फाइट तो जैसे हम घूम रहे हैं किससे नजर नहीं आ रही। तो दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को है, यूपी की 8 सीटों पर महामुकाबला है, बकायदा इसके लिए नॉमिनेशन का काम पूरा हो चुका है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में ये महामुकाबला है किसके बीच और कौन जीत सकता है, आइए चर्चा करते हैं इस खास शो में जिसका नाम है महामुकाबला। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से प्रमुख पार्टियों की बात करें तो बीजेपी ने यहां से मौजूदा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा पर विश्वास करते हुए उन्हें लगातार चौथी बार इस सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अपने प्रत्याशी को दोबारा बदला, पहले सपा ने कांग्रेस से सपा में आए महेंद्र नागर को अपना उम्मीदवार बनाया था, उसके बाद महेंद्र नागर का टिकट काट दिया। फिर पार्टी ने युवा चेहरे राहुल अवाना को अपना उम्मीदवार बना दिया, लेकिन उसके एक हफ्ते के अंदर ही पार्टी ने राहुल अवाना का टिकट काट कर दोबारा महेंद्र नागर को अपना उम्मीदवार बना दिया। वहीं बात करें बसपा की तो बसपा गौतम बुद्ध नगर में, बसपा सुप्रीमो मायावती का पैतृक जिला है, यहां मायावती ने इस सीट से खुर्जा के पूर्व विधायक राजेंद्र सोलंकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तीनों पार्टियों के प्रत्याशी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर गए हैं और लगातार लोगों के बीच घूम रहे हैं। इसमें मजेदार बात यह है कि तीनों पार्टी के प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं और दावा कर रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में। लेकिन आइए गौतम बुद्ध नगर के वरिष्ठ पत्रकार से जानते हैं कि क्यों इन प्रत्याशियों को ही पार्टी ने चुना, क्या है जातीय खेल। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट है, उस पर जो जातीय समीकरण है उस पर तीन बड़ी जाति है जिनके सर्वाधिक वोट है, ठाकुर, गुर्जर और ब्राह्मण। तो भाजपा ने ब्राह्मण चेहरे को के रूप में डॉक्टर महेश शर्मा को टिकट दिया, सपा और कांग्रेस ने गुर्जर चेहरे के रूप में डॉक्टर महेंद्र नागर को वोट दिया। ऐसे में जो तीसरी बड़ी जाति बचती है ठाकुर, तो बसपा ने राजेंद्र सोलंकी को टिकट दिया और तीनों ने बड़ी बड़ी जातियों को साधने का काम किया, इसलिए उन्होंने इन जातियों को टिकट दिया। हालांकि इस लोकसभा चुनाव में सपा का कैंडिडेट बदलने का क्रम बेहद चर्चा में रहा। जी हाँ, यहाँ भी समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदला, हालांकि इस सीट पर कितना असर पड़ेगा आइए जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार से। सपा इस तरह से 2009 में भी कर चुकी है, सपा ने 2009 में पहले नरेंद्र भाटी को टिकट दिया, वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे लेकिन उनका टिकट काटकर मदन चौहान को दे दिया और फिर विरोध हुआ तो नरेंद्र भाटी को फिर टिकट दिया, तो उससे क्या हुआ कि जो टेम्पो बना था सपा के पक्ष में वो उतर गया। वो गलती सपा ने फिर दोहराई है, महेंद्र नागर जब अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे उनके पक्ष में एक माहौल बन रहा था, उससे पहले उनका टिकट काट कर राहुल अवाना को दे दिया, तो जो सपा का माहौल बना वो फिर गड़बड़ा गया और फिर से महेंद्र नागर को टिकट दिया। तो मेरा मानना है कि अब वो माहौल नहीं है जो महेंद्र नागर ने पहले फेस में किया था, तो निसंदेह सपा को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि यहाँ प्रत्याशी बहुत कॉन्फिडेंट है टिकट मिलने के बाद, वो कहते नजर आए क्षेत्र की जनता के प्यार के भरोसे दिया है और मुझे पूरा विश्वास है क्षेत्र की जनता का जो जोश है आप देख रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है, पिछले बार हम लोग जिस जीत से जीते थे लगभग 3,35,000 की जीत से जीते थे, उससे बेहतर जीत से हम इस बार जीतेंगे। और मैं भी समझता हूँ आने वाले समय में 26 तारीख को ये यहाँ के सांसद तो जीतेंगे नहीं, इस यहाँ पे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। आपकी टफ फाइट किससे मांग रहे हैं? हमारी टफ फाइट तो जैसे हम घूम रहे हैं किससे नजर नहीं आ रही। अब हम मैं जहाँ तक घूम रहा हूँ तो देख रहा हूँ चुनौती है ही नहीं, आज मैं आज 10 जगह हूँ, 10 या 11 जगह, कहीं कुछ है ही नहीं, क्लियर है। एक तरफा चुनाव, आप चाहे नोट कर लेने में बता रहा हूँ, एक तरफा चुनाव चुनौती तो जब है। खैर, इन बातों से अलग आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में गौतम बुद्ध नगर उन सीटों में शामिल है जहां बड़े पैमाने पर विकास होने का दावा हुआ। एयरपोर्ट से लेकर फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, लॉजिस्टिक हब, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातन संस्थान एवं संस्कृति संग्रहालय, ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेशन के साथ जो है करीब 2,25,000 करोड़ का औद्योगिक पूंजी का निवेश यहां पर हुआ। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर शहरी और ग्रामीण मतदाताओं का समावेश है। ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं की जमीन के मुआवजे, आबादी, 10% भूखंड आवंटन, रोजगार और गाँव का शहरी तर्ज पर विकास का मुद्दा बड़ी समस्या है और इन्हीं मुद्दों पर यह वोट देते हैं। वहीं दूसरी ओर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 250 से ज्यादा सोसाइटीज हैं, इनमें लाखों लोग रहते हैं, ज्यादातर बाहरी हैं। हालांकि इन मतदाताओं पर जातीय समीकरण हावी नहीं रहता, ये जातीय समीकरण का
गणित भी बिगाड़ देते हैं। हालांकि सीट के इतिहास की बात करें तो परिसीमन के बाद 2009 में लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। इससे पहले गौतम बुद्ध नगर खुर्जा लोकसभा का हिस्सा हुआ करता था। पहले इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी का दबदबा रहा है। वहीं 2009 में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के अस्तित्व में आने के बाद पहले चुनाव में यानी कि 2009 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर बसपा ने बाजी मारी थी। यहां से सुरेंद्र नागर ने बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा को हराकर जीत हासिल की थी। इसका मतलब 2009 में यहां बसपा के सुरेंद्र नागर ने जीत हासिल की, फिर 2014 का चुनाव जिसमें महेश शर्मा ने जीत हासिल किया, इसके बाद 2019 में भी डॉक्टर महेश शर्मा ने जो कि भाजपा के उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन इस बार यहां के वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि फाइट जो है ये एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है। वहीं दूसरी ओर दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे पर वार करते नजर आए। तमाम मुद्दों को उठाते हुए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कहते नजर आए, मौजूदा सांसद ठीक है, डॉक्टर है, वैसे तो मेरे साथ के हैं, मेरे बैच के हैं, लेकिन वो लोग उसमें कुछ कहीं ना कहीं कुछ अहंकार आ गया, लोगों की बात नहीं सुनते। अभी पीछे एक गांव में बैठे थे, वे जो उन्हें 10 साल हो गए हमारे गांव में, आज तक नहीं आए। आज तक 10 साल में आम आदमी 10 साल तक भी ना आए तो इसका मतलब कहीं जाता नहीं। हम भी देखते हैं कम ही जाते हैं, कहीं नहीं जाते। दूसरा उनका रवैया बदल गया और कुसरी हमारी जो भाजपा है उनमें अकड़ बहुत आ गई। वो तो 400 पार दिन कहां कहां के पार, ये सब कुछ नहीं जुमले हैं। अगर उन्हें दिखाई कम देता हो और सुनाई भी कम देता हो तो उन्हें ध्यान देना पड़ेगा कि जब ये हवाई अड्डा यहाँ आया था तो नागरिक उड्डयन मंत्री महेश शर्मा ही था। जब ये 12,000 करोड़ की पावर प्लांट जब यहाँ आया था तो मंत्री मैं ही था। जब ये 300 करोड़ की लागत से दीनदयाल इंस्टीट्यूट यहाँ बना था तो मंत्री मैं ही था। जब ये मेट्रो के जाल की शुरुआत हुई थी जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की थी, ठाकरों की नाराजगी को कम कर पाएंगे लगातार। हमारी पार्टी जाति बिरादरी की राजनीति में विश्वास नहीं करती, उनके दिन लद चुके हैं जो जाति धर्म की राजनीति करते थे। आज वो हाशिए पर खड़े हैं, प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे, 3-3 बार प्रत्याशी बदल रहे हैं, तो मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। चलिए, चुनाव से पहले एक दूसरे पर वार पलटवार तो चलता रहता है, लेकिन अब आते हैं सबसे अहम सबसे बड़े सवाल पर कि लोकसभा चुनाव 2024 में आखिर कौन गौतम बुद्ध नगर के इस महामुकाबले में दमदार फाइटर है जिसके जीतने की उम्मीद ज्यादा है। और इस पर गौतम बुद्ध नगर के वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, देखिए ये सीट ऐसी जहां पे शहरी और ग्रामीण मतदाताओं का समावेश है, शहरी वोटरों की संख्या अधिक है। ये सीट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा बड़े मार्जिन से जीत हासिल करेंगे। तो पत्रकारों का कहना है कि इस बार एक अच्छी फाइट गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिलेगी, लेकिन भाजपा के कैंडिडेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग दावेदारी दिखाते नजर आएंगे। बहरहाल दूसरे फेज में यानी कि 26 अप्रैल को यहां वोटिंग होनी है और अब 4 जून को नतीजे तय करेंगे इस महामुकाबले में कौन जीत कर जो है संसद पहुंचता है। आप तक ये पूरी जानकारी लाए गौतम बुद्ध नगर से हमारे संवाददाता भूपेन चौधरी। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके अलावा आपके हिसाब से गौतम बुद्ध नगर के महामुकाबले में कौन जीतेगा हमें कमेंट जरूर करिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप पढ़े यूपी तक की वेबसाइट जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, और तमाम ऐसे वीडियोज और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहे यूपी तक। धन्यवाद।